Hello students, now we are starting the exercise 2.2 of chapter second polynomial. First chapter का video हमने send कर लिया है. Now ये second chapter, second exercise जिसमें है find the value of polynomial. ये polynomial जो दिया है उसकी value हमें find करनी है. But यहाँ पे जो unknown value है x, उसके लिए value दिए one time 0, second sum है उसमें -1 and जो third sum है उसमें दिया हुआ है हमें 2. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. तो पॉलीनोमियल हमारा जो दिया हुआ है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. तो हमें क्या करना है फर्स्ट सम के लिए, जितनी जगह x है वो सब जगह हम x के बदले पट पुट करेंगे 0. तो 5 0 4 0 एंड 3. तो 5 इनटू 0 वी नो दैट 0, ये भी 0 और ये 3, तो 0 तो हम काउंट नहीं करेंगे. तो ये हमारा आंसर आ गया 3. तो आपको समझ में आ गया होगा इससे हमें क्या करना है. जहां पे भी x है वहां पे x की जो वैल्यू दी है वो हमें पुट करनी है. सेकंड वाला सम देखें, तो जहां पे भी x है वहां पे हम पुट करेंगे -1. तो 5x -1 4 -1. तो यहाँ पे जो जो जगह x था, ये x, दोनों जगह मैंने -1 पुट कर दिया. Now 5 into 1 यानी 5 is a 5 but आगे माइनस का साइन है तो ये आएगा -5. -1 का स्क्वायर होगा +1 into -4 यानी -4 plus 3. -5 and -4 हो जाएगा -9 plus 3. तो -9 प्लस 3 वो हो गया हमारा -6. एंड द थर्ड वन इज x इज इक्वल टू 2. तो हमें क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे हमें पुट करना है 2. तो जो भी जगह x था वहां पे मैंने पुट किया 2. ये हो गया 5 टू द 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13 -16, 13 माइनस 16 इज -3. तो ये हो गया -3. तो आपने देखा कि ये वाले सम में पॉलीनोमियल में वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सिर्फ क्या करना है, जो भी x की वैल्यू हो वो पॉलीनोमियल में x के बदले पुट कर देनी है. तो ये सेकंड सम है हमारा फाइंड p0 p1 p2 फॉर द फॉलोइंग पॉलीनोमियल. तो जहां पे भी y की वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट सम हम देखें तो y है, तो y की जगह एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना है. तो चलो हम फर्स्ट सम पुट कर रहे हैं. पहले लिखेंगे py y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. तो फर्स्ट सम में हमारा था फर्स्ट 3 वैल्यू फाइंड करनी है, p0 p1 एंड p2. तो पहले हम पुट करेंगे p0. तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये आंसर हो गया हमारा 1. सेकंड टाइम फाइंड करना है हमें p1, यानी जहां पे भी y है वहां पे पुट करेंगे 1. तो y के बदले 1 उसका स्क्वायर, अगेन y के बदले 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया कट. तो ये हो गया 1. और फिर आया p, 1 था, अभी है फाइंड करना है 2. तो यहां जहां पे भी y है वहां पे हम पुट करेंगे 2. 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 हो गया 3. ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आगे के जैसे पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल इसके जैसा है, पर यहां पे हर एक सम में तीन वैल्यू फाइंड कर ली थी, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए और एक 2 के लिए. तो आप ये तीन सम बिल्कुल इसके जैसे हैं वो आप खुद कर लेंगे. यहां पे t के बदले एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट कर लेना. फिर ये वाले सम में तो सीधा ही आंसर मिल जाएगा. 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0, 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 एंड 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8. ये तो सीधा आंसर आ गया. और यहां पे भी एक बार x के बदले 0, यानी ये दोनों जगह 0 0 पुट करना है, फिर एक बार 1 और एक बार 2 पुट करके ये तीन सम आप होमवर्क में कर लेना. ओके, सेम एक्सरसाइज, उसका नंबर क्वेश्चन 3 है.
फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी पॉलिनोमियल की, जो भी एक्स की वैल्यू दी हो उस पे। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वेरीफाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझो वेरीफाई करना है क्या, वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब कि जैसे कि ये क्वेश्चन है पी एक्स, जिसकी वैल्यू दी है 3x + 1 पॉलिनोमियल, और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है -1/3, तो ये इसका जीरो है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो जीरोस मतलब क्या है, तो सॉल्यूशन। जैसे कि मैं सिंपली कोई चीज बताऊं आपको, भी मेरे पास है 4x + 8, ये पॉलिनोमियल है, तो उसमें यहां पे मैं इक्वल टू जीरो ले लूंगा, तो 4x = +8 वहां पे जाएगा, तो -8 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां पे मुझे x मिल गया -2, तो ये जो -2 है वो इसका हो गया जीरो। मतलब कि x के बदले जब हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, -2 पुट करोगे तो 4 - -8 + 8 जीरो हो जाएगा। तो x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने से उसका आंसर जीरो आए, तो उसको हम बोलते हैं जीरोस। अगेन x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में x के बदले पुट किया जाए और उसका आंसर हमारा जीरो आए, तो समझ लेना है कि ये इसका जीरो है। तो क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखें यहाँ पे 8 सम दिए हुए हैं, मैं 4 करवाता हूँ, 4 आप खुद कर लेना प्रैक्टिस में। तो फर्स्ट वाला सम है जिसमें x दिया है -1/3, तो सिंपली पहले दो सम किए उसके जैसे ही, तो 3 x के बदले में पुट कर रहा हूँ -1/3 + 1, 3 यहाँ पे कट हो गया, -1 + 1 0। तो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल गई जब हमने x के बदले -1/3 पुट किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस -1/3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड को सिंपली दिखाई दे रहा है कि भी नहीं है, p x के बदले में पुट कर रहा हूँ 4/5, 5 x के बदले पुट करेंगे हम 4/5 -5, पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू बट फिर भी हम रखते हैं 5/5 कट, हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख सकते हैं कि इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिखेंगे कि 4 - 22/7 इज नॉट अ जीरो, सो नो 4/5 इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। ये सेकंड था। थर्ड सम की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड सम में आपको क्या करना है, दो चीजें चेक करनी है, 1 और -1। तो सिंपली मैं ओरली समझा देता हूं, x के बदले यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी 0, तो यस 1 0 है उसका। माइनस 1 पुट करते हैं बट आपको पता है कि माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है +1, तो 1 - 1 0, तो यहां पे भी 0 मिला। मतलब जब आप 1 एंड -1 दोनों वैल्यू पुट कर दे तो दोनों के लिए हमारा आंसर 0 आता है। तो लिखेंगे यस 1 और -1 बोथ आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फिर बात है यहां पे दो वैल्यू है -1 और 2, तो चलो ओरली हम यहां पे सीधा सॉल्व करेंगे -1, x के बदले यहां पे हम -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, एंड 0 यानी इनटू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाता है, तो 0 इनटू दिस यानी 0, तो -1 के लिए आंसर हो गया 0, तो -1 वो हो गया हमारा 0। 2 रखते हैं तो 2 यहां पे रखेंगे तो 2 - 2 0 हो गया, 0 के साथ ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। दैट मींस हम ये दोनों वैल्यू अगर यहां पे x के बदले रखते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो लिखेंगे यस -1 और 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो बाकी के सम है वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, खुद समझ लेना कि भाई अगर आंसर 0 आता है तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, और 0 नहीं आता है तो पॉलिनोमियल नहीं है। एंड स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का, फाइंड द जीरोस। सिंपल चीज है कि 0 फाइंड करना है, तो 0 फाइंड करने में जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसके पीछे हमें सिर्फ 0 लगा देना है। तो x + 5 = 0, +5 उधर गया तो -5, तो ये मिल गया हमारा 0। x - 5 0 लगा दिया, -5 वहां चला गया, +5 यहां पे 0 लगा है, -2 वहां पे, 3 डिवाइड में चला गया, हो गया 0।
ये थ्री डिनोमिनेटर में जीरो, ए डिनोमिनेटर में जीरो, प्लस डी वहां पे चला गया माइनस डी, एनसी हो गया डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है, और नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज 2.3 हम भेजेंगे, और इसके रिलेटेड जो वर्कशीट में भेजू उसके सम कंप्लीट कर देना।